प्रदेश सरकार और पुलिस के मुखिया पुलिस विभाग को चुस्त दुरुस्त बनाने की बात करते हैं, लेकिन फरुखाबाद के सदर कोतवाली की दो इमारतें इस हालत में हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है। यहां काम करने वाले कर्मचारी अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं। थाना अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है, लेकिन इसकी हालत उतनी ही जर्जर हो चुकी है। ये कई पुलिस भवन ऐसे हैं वास्तव में जिनमें रहने की स्थिति ठीक नहीं है। इसमें हमारे उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। हमारे DGP साहब और हमारे PSO साहब इसमें बहुत ही सक्रिय हैं। उनके माध्यम से इसमें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इनका निर्माण किया जाएगा। थाना कमालगंज की बिल्डिंग का भी ध्वस्त करने का ऑर्डर आ चुका है और उसमें नई निर्माण एजेंसी को ऑर्डर भी मिल चुका है। जल्दी निर्माण कार्य चालू होगा और मुझे अच्छा लगा कि मीडिया के लोगों ने इस विषय को उठाया। आप लोग अगर इस तरह से उठाते हैं तो इस बिंदु को पब्लिक के नज़रों में सहानुभूति मिलती है कि पुलिस वाले भी किस प्रकार से खराब परिस्थितियों में रहते हैं और काम करते हैं। बारिश के मौसम में थाने की छत टपकने लगती है और लाखों रुपए के आधुनिक सामान भी खतरे की जद में रहते हैं। वहीं पुलिस बैरक की हालत भी इतनी खराब है कि यहां कोई रहना नहीं चाहता। अब देखना होगा कि राजेपुर थाने को कब तक ठीक कराया जाता है। फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।